आपने पढ़ाई करी है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की और अभी आप आईटी डोमेन में काम कर रहे हैं, तो आपने कोर जॉब क्यों नहीं सर्च करी? बिकॉज आपका फील्ड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। कोडिंग तो बहुत कम नहीं था क्योंकि कोर में उतना ज़रूरत नहीं पड़ता, कोडिंग हमें तो कुछ और ही चाहिए होता। तो लास्ट ईयर में आते आते थोड़ी बहुत कर ली थी, बट तो मेरे को प्रॉपरली पता भी नहीं था कि ये रोल भी है, कर भी चाहिए नहीं था। तो मैं फिर जैसे ही ग्रेजुएशन मेरे एग्जाम जो भी हुआ तब मैं स्टार्ट कर लिया कि पूरा गूगल वूगल कर रहा था, सबसे पूछ रहा था। तब मेरे को पता चला कि हाँ भाई ये डेटा जो ऐसे कुछ प्रोफाइल है इसमें थोड़ा बहुत अच्छा ग्रोथ भी है, लाइक उसमें ज़्यादा हार्ड कोर कोडिंग या फिर कुछ सीएस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हाय एवरीवन, तो आज की पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मेरे साथ लोकेश है जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन 2022 में करी है एंड राइट आफ्टर दैट ही गॉट प्लेस एज अ बीआई एनालिस्ट, जो कि एक डेटा की प्रोफाइल है। हम लोग बीआई एनालिस्ट प्रोफाइल के बारे में बातचीत करेंगे, व्हाट आर द सैलरीज ऑफर्ड इन दीज प्रोफाइल्स इसके बारे में बातचीत करेंगे, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, लोकेश का जो बैकग्राउंड था इट वॉज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, तो नॉन आईटी वाला बैकग्राउंड है। नॉन आईटी से एज अ फ्रेशर डायरेक्टली आप डेटा प्रोफाइल कैसे क्रैक कर सकते हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। सो स्टे ट्यून्ड, वॉच टिल दी एंड, बहुत सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, इफ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय लोकेश, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो लोकेश, आपके एक छोटे से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरा नाम आप सबको पता है लोकेश, सो मैं बेसिकली एक एरोनॉटिकल बैकग्राउंड से आया हूँ, बट अभी आईटी डोमेन में काम कर रहा हूँ एज एन बीआई एनालिस्ट। सो ये मेरा बहुत छोटा इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा लैग नहीं करते इसको। ऑलराइट, आपने बताया बीआई एनालिस्ट, ये मुझे कुछ नई नई सी प्रोफाइल लग रही है सुनने में, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। बीआई एनालिस्ट नई नई तो नहीं है, बहुत पहले से हैं, लेकिन अभी अभी लाइमलाइट में आ रहा है क्योंकि जस्ट एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आप अभी जोमेटो जब भी आप यूज़ करते हो जोमेटो, या फिर जब भी फ़ोन ओपन करते हो उसका पॉपअप जो भी आता है ना, लाइक आपको मैसेज लिखता होता है भाई अभी शाम को अभी ये खा लो, भाई अभी दोपहर है अभी इस जगह पे हो अभी ये खा लो। तो ये जो भी चीज़ें जो आप देखते हो ना जोमेटो या फिर कोई भी ऐसे सिमिलर ऐप्स पे, तो इसलिए होता है कि हम बीआई एनालिस्ट पीछे बैठकर हम कंपनीज को सजेस्ट करते हैं कि आप भाई ये इन एरियाज में ये पर्टिकुलर पर्सन ना इस टाइप के, मतलब ये आईटी में काम करता है। जब मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर बंदा आईटी में काम करता है तो ये इस टाइम पर ये खा सकता है, तो हम जोमेटो वालों को बोलते हैं कि भाई ये बंदा को ऐसा नोटिफिकेशन भेजो तो कि ये मतलब उसको जागे कि हाँ भाई हम खा लेंगे। तो ऐसे चीज़ें जो भी आप देखते हैं ना फोन्स में या अलग, मैं ये जस्ट बहुत आपका पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ, लाइक बड़ा बड़े बिजनेस के पर्सपेक्टिव में बहुत अलग चीज़ें चलता है, तो ये जो भी चलता है ये हम बीआई एनालिस्ट करते हैं। ग्रेट ग्रेट। सो लोकेश, आपने पढ़ाई करी है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की और अभी आप आईटी डोमेन में काम कर रहे हैं, तो आपने कोर जॉब क्यों नहीं सर्च करी? बिकॉज आपका फील्ड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एग्जैक्टली, और कोर जॉब ऐसे नहीं कि मैं सर्च नहीं की, मुझे मिला भी था कोर जॉब, बट वो क्या होता है ना इंडिया में लाइक ग्रोथ बहुत कम है, एक तो कंपनीज बहुत कम है, सेकेंडली उसमें ग्रोथ भी इंडिया पर्सपेक्टिव में देखने से तो अभी कल ही तो नहीं है, मैं नहीं मानता। तो मैं ऐसे डोमेन में रहता था जहाँ मेरा ग्रोथ भी अच्छा हो, सैलरी भी अच्छा हो। तो तब जाकर थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो मेरे पता चला कि भाई आईटी में अच्छा खासा ग्रोथ भी है, पैसा भी है, सारा है। तो मेरा फाइनल ईयर से मैं आईटी में आना चाहता था तो मैं मूव कर लिया उधर। ओके, और आपने कॉलेज में प्रोग्रामिंग कितनी कोडिंग करी थी आपने? कोडिंग तो बहुत कम नहीं था क्योंकि कोर में उतना ज़रूरत नहीं पड़ता कोडिंग हमें, तो कुछ और ही चाहिए होता। तो लास्ट ईयर में आते आते थोड़ी बहुत कर ली थी, बट मुझे लाइक प्रॉपर पाथ नहीं पता था कि क्या करना है, क्योंकि मैं जो मुझे लगता था मैं कर रहा था, लाइक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में तो कुछ पता नहीं था। ऑलराइट, तो आपने मतलब लास्ट ईयर में जो आपको लगा कि आपको आईटी में आना है तब जाके आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी, उससे पहले प्रोग्रामिंग कभी नहीं करी थी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं की थी। तो जब आपने आईटी में आने का डिसाइड किया तो आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फ्रंट एंड प्रोफाइल है, बैक एंड प्रोफाइल है, डेटा में भी काफ़ी सारी प्रोफाइल्स हैं, सो व्हाई ओनली डेटा? मतलब आपने फ्रंट एंड बैक एंड डेवऑप्स वगैरह क्यों नहीं चूज़ किया? वो क्या होता है ना, वो जो भी आप बोल रहे थे अपार्ट फ्रॉम डेटा, डेवऑप्स या फिर फ्रंट एंड बैक एंड जो भी है, इनमें ना आपको कोर सीएस नॉलेज चाहिए होता है। वो क्या होता है उनका बहुत चीज़ होता है, मुझे भी अभी तक आइडिया नहीं कि क्या क्या चीज़ होता है। तो लेकिन डेटा में क्या है ना, आपको जस्ट एक दो कोडिंग लैंग्वेज आने से और मैथ्स जो भी पहले से पढ़ कर रखे हुए होते हैं क्योंकि कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो ये चीज़ें बहुत काम आती है, ना कि सीएस कोर सीएस चीज़ें ज़्यादा काम नहीं आती। तो मैं पढ़ा भी नहीं, मुझे ज़रूरत भी नहीं था, तो मैं इसलिए इसी डोमेन में आ गया। गॉट इट, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली कि जब आप लोग फ्रंट एंड बैक एंड प्रोफाइल्स देख रहे होते हैं, सो एट दैट टाइम आपको ना कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी क्लियर होने चाहिए, आपको डीएसए भी क्लियर होने चाहिए। एंड डेटा में ये चीज़ तो है कि आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स इतने क्लियर ना भी हों, आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स अलजेब्रा आता हो, सो यू विल बी एबल टू कवर दैट सिलेबस।
राइट, तो सिलेबस कवर करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। अच्छा, अब सिलेबस से बात आ ही गई है, तो टेल मी कि कौन से टॉपिक्स रिक्वायर्ड होते हैं टू क्रैक अ गुड रोल इन डेटा प्रोफाइल। डेटा प्रोफाइल मतलब, आप डेटा प्रोफाइल बोलो तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें तीन चार चीज़ें आ जाती है, डेटा इंजीनियर आता है। हमें बी आई एनालिस्ट के बारे में बताइए। अच्छा, सिर्फ बी आई एनालिस्ट का काम आता है तो एक तो पहला एसक्यूएल बहुत ज़रूरी होता है। एसक्यूएल के बाद आप कोई भी डैशबोर्डिंग टूल कोई भी एक ना एक तो ज़रूरी है, या पावर बी आई हो या टैबलो हो कोई भी हो, उसका एड ऑन आप अगर पाइथन भी सीख लिया तो लाइक एड ऑन बोल सकते हैं आप, बट मेन एसक्यूएल या फिर कोई भी एक डैशबोर्ड, ये दोनों तो बहुत ज़रूरी है। पाइथन लाइक आपको लाइक कंपनी को इम्प्रेस कर सकते हो, उस चीज़ के लिए काम आ जाएगा। ऑलराइट, विजुअलाइजेशन टूल्स राइट? या एग्जैक्टली, वही डैशबोर्ड बिल्डिंग टूल मतलब वही विजुअलाइजेशन टूल्स ही होता है। ओके, एंड आप भी विजुअलाइजेशन टूल्स पे ही काम कर रहे हैं ना? हाँ। ठीक है, तो आपने अपनी तैयारी कैसे करी? अच्छा, तैयारी तो ठीक है, मैं लाइक मेरा कॉलेज से स्टार्ट करता हूँ, लाइक अंतिम मैं ग्रेजुएट जब तक नहीं हुआ मैं तब तक लाइक अनस्ट्रक्चर लाइक कुछ भी पढ़ रहा था, मेरे को प्रॉपरली पता भी नहीं था कि ये रोल भी है, कर कुछ आइडिया नहीं था। तो मैं फिर मैं जैसे ही ग्रेजुएशन मेरे एग्जाम जो भी हुआ तब मैं स्टार्ट कर लिया कि पूरा गूगल वूगल कर रहा था, सबसे पूछ रहा था। तब मेरे को पता चला कि हाँ भाई, ये डेटा जो ऐसे कुछ प्रोफाइल है इसमें थोड़ा बहुत अच्छा ग्रोथ भी है, लाइक उसमें ज़्यादा हार्ड कोर कोडिंग या फिर कुछ सी एस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो मैं हाँ फिर डेटा की तरफ ढूंढने लगा, फिर मैं ऐसे ढूंढते ओडिन स्कूल का एक कोर्स है तो उनमें लाइक उनका करिकुलम जो भी सारा देखा मैंने, तो मुझे लगा और शॉक लाइक उनका सिर्फ 6 मंथ का कोर्स था, मुझे लाइक ग्रेजुएशन के बाद वो जितना जल्दी हो सकता उतना जल्दी मुझे कई जॉब चाहिए था, तो मैं उनका कोर्स ले लिया, फिर उधर स्टार्ट किया था मैंने ओडिन स्कूल से। तो लाइक उनका करिकुलम बता देता हूँ कि उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर मैनर था, लाइक जब भी जैसे मैं स्टार्ट किया उन्होंने लाइक एसक्यूएल से स्टार्ट किया था, तो बेसिक एसक्यूएल सिखा देते आपको, उसके बाद मैथमेटिक्स जो चाहिए स्टैट्स जो भी आपको पूरा रिवीजन करा देते, उसके बाद अगर पाइथन लाइक उनमें भी लाइक मैं ऐसे जैसे बोला था डेटा बहुत बड़ी चीज़ है, एक तो डेटा इंजीनियर हो जाता है, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट ऐसे, तो मैं डेटा साइंटिस्ट लिया था एक्चुअली, तो उसके बाद पाइथन के बाद मेरा डेटा एडीए बोलते हैं, डेटा एक्सप्लोरेशन डेटा एनालिसिस, तो उसके बाद ML होता है, तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर था मेरा एक्चुअली। गॉट इट। अच्छा, आप ना एक नॉन IT बैकग्राउंड से आते हैं राइट, तो क्या आपको डिफ़िकल्टी आई कभी कि रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में डिफ़िकल्टी आ रही है या फिर प्रिपरेशन में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, तो इस तरीके का कुछ डिफ़िकल्टी फेस हुई आपकी? डिफ़िकल्टी लाइक स्टार्टिंग में तो हो जाते हैं, लाइक एकदम नया डो मैंने लाइक कुछ नहीं पता होता, लाइक यूजुअली प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है, लाइक आपको सर्वाइव करना हो तो लाइक यूजुअली आपको स्किल्स एड ऑन करना ही पड़ेगा, तो इट्स नॉट कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, नहीं लाइक अपना टाइम लो प्रैक्टिस करते जाओ तो आ ही जाएगा, वो ऐसे नहीं है कि मेरे को आएगा ही नहीं भाई ये तो कुछ वो बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं ऐसे नहीं है, ठीक आराम से प्रैक्टिस करते जाओ तो आ ही जाएगा आराम से आपको। ओके, और बाकी इसमें ऐसा कुछ होता है क्या कि कोई कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो तो CS वाले स्टूडेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी और नॉन IT वाले को थोड़ी कम प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा कभी फेस हुआ? नहीं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे ऐसा नहीं लगा, लाइक हाँ लाइक बहुत बड़ी कुछ कंपनीज करती है क्योंकि उनका क्राइटेरिया होता है जो भी, लाइक मैक्सिमम कंपनीज तो नहीं करती मैं जितना देखा। ओके, मैक्सिमम कंपनीज नहीं करती हैं, तो बेसिकली आपका ये स्मूथ एक्सपीरियंस था इंटरव्यू वाला जो एक्सपीरियंस था राइट? हाँ, मेरा तो स्मूथ एक्सपीरियंस, लाइक मेरा रिज्यूमे बिकॉज मैं एरोनॉटिकल से ऐसे इस वजह से मेरा रिज्यूमे कभी बिना शॉर्टलिस्ट हुए नहीं रह गया। ओके ग्रेट। अच्छा, तो आपका ना इंटरव्यू एक्सपीरियंस पूछते हैं, तो एक बार डिटेल में थोड़ा सा हमें इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता दो ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि BI एनालिस्ट अगर आपको बनना है तो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड टू यू। अच्छा ठीक है, मैं लाइक मेरा प्रॉपर कंपनी से जब से स्टार्ट रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट उधर से बताता हूँ, तो आफ्टर जैसे ही आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है वो उनका लाइक ईच कंपनी का लाइक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टेक्निकल राउंड्स होता है, सो मेरा मैं तो 2 राउंड था, तो यूजुअली क्या होता है टेक्निकल राउंड में जो जिस रोल को आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे मेरा BI था तो मेरा मोर फोकस SQL में था, तो मेरा पहला राउंड भी SQL के ऊपर था, दूसरा राउंड भी SQL के ऊपर था, लाइक डिफिकल्टी लेवल थोड़ा लाइक ईच ऑन एवरी लाइक इंटरव्यू राउंड्स के बाद बढ़ता जाता है। तो क्या होता है कुछ कंपनीज पाइथन में भी फोकस करते हैं, कुछ कंपनीज डैशबोर्ड बिल्डिंग टूल जैसे पावर बीआई या फिर टैबलो में फोकस करते हैं, तो मेरा जो इंटरव्यू था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा SQL में फोकस किया हुआ था, लाइक आपको कोडिंग एग्जाम दे देते हो लोग क्लियर करो, तो वो सब क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू में बुलाते हैं। जब इंटरव्यू का प्रोसेस बोलो तो इंटरव्यू कैसे चलता है, आपको यूजुअली या फिर टेक्निकल इंटरव्यू होता है उसके बाद HR होता है, या फिर कुछ कुछ कंपनी क्या करते दोनों ब्लेंड कर देते, मतलब HR प्लस ये दोनों टेक्निकल इंटरव्यू, सो मेरा जो था वो HR प्लस टेक्निकल इंटरव्यू था,
सो प्रॉपरली पहले टेक्निकल इंटरव्यू कैसा होता है, वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आपको क्वेश्चन ना ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि भाई आप तुझे ये आउटपुट लाना, ऐसे नहीं पूछेंगे, वो लोग लाइक जनरल स्टेटमेंट पास कर देते हैं, भाई तेरा पास अभी मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ, तो मेरा एसक्यूएल को ऊपर था क्वेश्चन, तो उन्होंने मुझे दो तीन टेबल टेबल्स दे दिए थे, आप पूछे थे कि एक इसका एवरेज कुछ निकाला, ऐसे कुछ पूछे थे, तो उस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने के लिए मेरा लाइक पूरा एसक्यूएल का बेसिक्स और थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट सारा काम में आ गया था। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं लेकिन उसका आंसर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाइक लंबा खींचता है, तो ऐसे ही पूछते हो लोग क्योंकि उनको पता है कि लाइक तुम कितने अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब तुम्हें कैसे सिचुएशन कैसे ब्रेक डाउन करके उसको कैसे सॉल्व करोगे, ये चीज़ उनको चाहिए होता है। एज ए फ्रेशर लाइक मैं फ्रेशर हूँ, उनको पता है कि मैं फ्रेशर हूँ, लाइक थोड़ा बेसिक नॉलेज होगा मुझे, लाइक आईटी लेवल एक्सपीरियंस लेवल नॉलेज मेरे पास नहीं है, उनको भी पता है, तो उनको चाहिए कि मैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँगा, ये चीज़ उनको बहुत ज़रूरी होता है, तो मेनली इसी चीज़ पे फोकस करेंगे आपको। ग्रेट ग्रेट। वैसे मेरा भी एक फ्रेंड है, सो उसने एक्चुअली 2 साल तक कोई प्रिपरेशन नहीं करी, ही वॉज फ्रॉम ही डिड बीटेक, मैकेनिकल से बीटेक किया था, उसने कोई प्रिपरेशन वगैरह नहीं करी थी, एंड रिसेंटली ही ज्वाइंड अ जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट। तो यहाँ पर ना मुझे ये पता चलता है कि इफ़ यू आर फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड या इफ़ यू हैव अ करियर गैप, देन आई थिंक अगर आपको आईटी में एंटर करना है, डेटा कुड बी वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे आई वुड से, बिकॉज यहाँ पर आपकी जो प्रिपरेशन है दैट इज़ टू द पॉइंट, भाई ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, एंड वंस यू क्रैक दैट इंटरव्यू देन यू कैन ईजिली मेक अ स्विच अराउंड। ठीक है, आप डेटा एनालिटिक्स से डेटा साइंटिस्ट की तरफ जा सकते हैं, डेटा इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं, देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आफ्टर दैट। सो आई थिंक आपका जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था इट वॉज वेरी गुड फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं बी आई एनालिस्ट रोल में। ठीक है, अभी यहाँ पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की हम लोग बात करेंगे, सैलरीज की। तो आपने रिसर्च भी करी होगी कि कितनी सैलरीज इस प्रोफाइल में आपको मिल जाएंगी, राइट? तो बेस्ड अपॉन योर रिसर्च एक बार हमें बताएंगे कि एज अ फ्रेशर अगर आप एंटर करते हैं बी आई एनालिस्ट रोल में या फिर डेटा एनालिस्ट रोल में, तो वॉट आर द सैलरी रेंजेस? तो एज ए बी आई एनालिस्ट डेटा एनालिस्ट में थोड़ा बहुत गैप होता है, लाइक डेटा एनालिस्ट को कंपेरेटिवली ऑलमोस्ट सेम ही समझ लो, लाइक 1-2 लाख का फ़र्क होगा बस, ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप एक बेस मिनिमम आप 6 लाख पकड़ लीजिए, तो मैक्स समवेयर अराउंड 12 या 15 के बीच में कहीं, लाइक इस रेंज में आप लाइक कहीं भी गिर सकता है, बोल नहीं सकता। गॉट इट गॉट इट। तो आपने बताया 6 to 15 की जो रेंज है उस रेंज में आपका पैकेज, हाँ रेंज पकड़ लीजिए, हाँ सही। ओके, एंड विद एक्सपीरियंस यू कैन गो टू एनी लिमिट्स, राइट? देयर इज नो लिमिट, लाइक विद एक्सपीरियंस तो आप हाँ कहीं भी, तो अगेन कंपनी का डिपेंड करेगा और आपका स्किल्स जितना, लाइक आपका एक्सपीरियंस जितना आप उस एक्सपीरियंस में पढ़े हो, जितना आप उस एक्सपीरियंस में सीखो क्या हो, तो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा फिर भी। ऑल राइट ग्रेट। बाकी आपको मज़ा आ रहा है इस प्रोफाइल में? हाँ सही है प्रोफाइल तो, लाइक बहुत चीज़ें सीखने को मिल रहा है। ओके, थोड़ा बताएंगे कि किस तरीके से आप काम करते हैं, कैसे आप किस से इंटरेक्ट करते हैं बेसिकली? जैसे आपने जोमेटो का एग्जांपल लिया था, सो डू यू एक्चुअली टॉक टू देम और या आपके अपने कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स होते हैं? नहीं नहीं, लाइक जोमेटो तो एग्जाम्पल था, लाइक हमारा कंपनी का क्लाइंट्स तो बहुत अलग अलग क्लाइंट्स है, तो मैं डायरेक्टली तो इंटरेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि हम फ्रेशर्स के हिसाब से लाइक वो डायरेक्ट क्लाइंट्स को नहीं जोड़ते, लेकिन हाँ क्लाइंट इंटरेक्शंस होते हैं, लाइक हमारा मैनेजर या जो भी लीड है वो करते, तो वो हमें बता दे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, तो उन्हें क्या चाहिए, तो हम उसका ऊपर हम काम करते, लाइक उनका जो भी क्वेश्चंस था, लाइक अभी बोला कि सपोज जोमेटो का एग्जांपल ले लेते वापस, तो जोमेटो हमारे पास आया और बोल रहे कि भाई हमारे पास इतना ये डेटा है, तो हमारा सेल्स बढ़ाना है आपको, तो हम इस तरीके से, मतलब अभी तक तो हम ऐसे नोटिफिकेशन भेज देते, तो हम मैं क्या करने से मेरा सेल्स बढ़ जाएगा, तो जोमेटो ऐसे आया मेरे पास, तो मैं देखा डेटा, तो मैंने लाइक ब्रेकडाउन किया कि इस पर्टिकुलर पीपल सेगमेंट में आईटी कंपनी में काम करने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो इस पर्टिकुलर रीजन में कुछ और जॉब करने वाला ज़्यादा, तो मैं ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ, तो मैं जोमेटो को बोलूँगा कि भाई इधर आईटी कंपनी वाले ज़्यादा है, तो आईटी कंपनी वाले यूजुअली लंच जो भी है बाहर ही कर लेते हैं, तो आप मैं बोलूँगा कि भाई आप लंच टाइम में ना कुछ ऐसे भेजो नोटिफिकेशन की, तो वो लोग आपके जोमेटो से ऑर्डर करें, तो इस तरीके से उनका सेल्स बढ़ जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया में। तो सिमिलरली ऐसे ये एक बहुत जनरल एग्जांपल था, ऐसे ही होता है, लाइक दूसरे कंपनी का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे जोमेटो एक डिलीवरी फूड डिलीवरी है, एक अलग अलग डोमेन्स भी होते हैं, फार्मा हो जाता है, लेकिन एक मैकेनिकल कंपनीज हो जाती है, तो या फिर रिटेल कंपनीज हो जाते हैं, तो ऐसे अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग बहुत चीज़ें आ जाते हैं। गॉट इट गॉट इट। अच्छा एक और चीज़ है, कई बार लोग जब ड्रॉप करने के बाद या फिर एक करियर गैप के बाद प्रिपरेशन करते हैं ना, तो उनको डीमोटिवेशन बहुत होती है, तो आपका मतलब ऐसा कुछ सीक्रेट है क्या टू स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट द प्रिपरेशन? सीक्रेट नहीं है, जस्ट बाई एंड गोल था कि मुझे जॉब चाहिए,
तो वो एक ही मोटिवेशन था भाई, मेरे को करना है कैसे भी हो एट द एंड ऑफ कोर्स। सो बस करते गए, जो बस सीखते गए, तो बस सीखते जाओ, बस मिल जाएगा आपको, प्रैक्टिस करो। ग्रेट, सो इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू लोकेश, बहुत कुछ जानने को मिला एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी आपकी। विद इन 6 months यू क्रैक्ड अ वेरी गुड प्रोफाइल विद अ वेरी गुड पैकेज। सो बाकी अगर आप लोगों को लोकेश से इंटरेक्शन करना है, बातचीत करनी है, तो लोकेश का जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, यू कैन कनेक्ट विद हिम। एंड थैंक्स अ लॉट लोकेश फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग दिस विद अस। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी आल्सो।